श्रीनगर में आज राहुल गांधी फैंस एसोसिएशन में 100 पॉलिटिकल वर्कर्स ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है और सभी राहुल गांधी फैंस के सदस्यों ने उनका स्वागत किया। मैं पीरजदा मोहम्मद शफी शाह, स्टेट प्रेसिडेंट ऑल इंडिया राहुल गांधी फैंस एसोसिएशन की तरफ से आज काफ़ी तादाद में लोगों ने राहुल गांधी फैंस एसोसिएशन का दामन थाम लिया। तकरीबन सैकड़ों के तादाद में आज वर्करों ने आज राहुल गांधी फैंस एसोसिएशन के साथ दामन थाम लिया। यह इसलिए उसने दामन थाम लिया कि कांग्रेस पार्टी वाहिद एक पार्टी है जो 70 सालों से जम्मू कश्मीर के तरक्की के लिए, पूरे हिंदुस्तान के तरक्की के लिए, वो पार्टी नहीं है जो देश के तोड़ने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी वाहिद एक पार्टी है जो देश को बचाने की कोशिश कर रही है। कुछ पार्टियां जो देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो आप लोगों को पता है कौन कर रहा है। ये हम राहुल गांधी फैंस एसोसिएशन के तरफ से पूरे जम्मू कश्मीर के, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मैं अपील करना चाहता हूँ कि जो अगर जम्मू देश बचाना है सिर्फ एक काम करना है, बीजेपी को भगाना है। ये हमारा मिशन यही रहेगा अल्लाह ताला के मदद से, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने तबाही काफ़ी किया है, जो बर्बाद किया है जो बीजेपी सरकार ने। आज देखो कि क्या हालात चल रहा है, 6-7 महीनों में कितना परेशानी, ट्रांसपोर्ट भी परेशान है, किसान भी परेशान है, बाग मालिकान भी परेशान है। आप देखो बाग मालिकान को कितना मिला है, 1-1 हज़ार रुपया, वो क्या करेंगे बाग मालिकान को, उनको क्या करना है 1,000 रुपये को।